हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद पूरी हुई है। मतलब रात को मैं 2 बजे सोया था और सुबह 9 बजे उठा हूँ। 7 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। जो लास्ट ब्लॉग में मैंने एक डिसीज़न लिया था कि दिन में ना सोने का, दिन में अपनी नींद कंट्रोल करने का, वो डिसीज़न काम कर गया है और मैं बहुत इस वक्त एक्टिव फील कर रहा हूँ। और जब आप बहुत एक्टिव फील करते हैं ना, तो आपको आपके सारे काम करने का मन करता है, जैसे ब्लॉगिंग, नाश्ता, फिर एक्सरसाइज। तो आज का ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और एक्सरसाइज करने से पहले मैंने नाश्ता भी अपना बना लिया है। मैंने अपने लिए ओट्स बनाए हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, एक केला और बहुत ही थोड़ी सी चीनी। मैंने लास्ट टाइम वर्कआउट 3 दिन पहले किया था और बीच के ये दिन मैंने इसलिए स्किप कर दिए क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, सारा दिन आपका बेकार जाता है। और इसलिए 3 दिन के बाद आज मैं अपनी एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपनी एक्सरसाइज करने की पोशाक पहन लिया है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मुझे अपने कमरे में एक्सरसाइज करने का स्पेस करना है क्योंकि मेरे पूरे कमरे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैला हुआ है। बेड में हेलमेट, टेबल में टी शर्ट्स, कुर्सी में भी कुछ रखा है, बॉक्स भी रखा है। और एक्सरसाइज करनी है तो पहले ये सामान मुझे खाली करना पड़ेगा, मतलब साफ करना पड़ेगा। सामान सारा रख दिया है, अब एक्सरसाइज चालू करते हैं। अभी मैं पुशअप कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम में मैंने 60 के आसपास करी थी और दूसरी बार में 40, अभी 50 और बाकी हैं। जो मेरा फर्स्ट वर्कआउट होता है वो ज़्यादातर पुशअप होता है और मैं 150 पुशअप करने की कोशिश करता हूँ। ऑफ कोर्स एक बार में नहीं, 3-4 बार में। और पुशअप के बाद मैं एब्स करता हूँ, ज़्यादातर यही होती हैं। और उसके बाद स्क्वाट्स, फिर वेट, ये रूटीन है। और अब स्क्वाट्स,
पुशअप्स हो गए, एब्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, और मुझे वेट उठाना था, लेकिन आज मैं वो एक्सरसाइज करूँगा नहीं, क्योंकि अभी अभी मेरे कज़न का मेरे पास कॉल आया है, मुझे उसके साथ एक कॉलेज में जाना है उसके एडमिशन का पता करने, तो वो एक्सरसाइज हम बाकी कल करेंगे। और बाकी अभी मुझे नहाना भी था, लेकिन मैं नहा के जाऊँगा नहीं, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, आने जाने में ही पसीना निकल जाएगा, तो नहाने का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, इसलिए हम आके नहाएंगे। फिलहाल के लिए मुंह धो लिया है, अब जल्दी से काम निपटा के आते हैं। तकरीबन 1 बजे मैं घर आ गया था, और आने के बाद मैं नहा भी चुका हूँ, और घर आते वक्त मुझे मेरी एक बहुत ही फेवरेट चीज़ मिली, जामुन। जामुन मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फूड है, लेकिन इसकी एक बहुत बुरी बात यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए रहता है, और अगर बहुत ही अच्छी बारिश हुई तो 1.5 महीने के लिए, ये बारिश पे डिपेंड करता है पूरा, और बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होने के कारण इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। बचपन में जब भी मैं गाँव जाता था गर्मियों की छुट्टी में, मैं इतनी भर भर के जामुन खाता था कि मुझे उल्टियाँ हो जाती थी, लेकिन वो पुराने अच्छे दिन हैं, कभी वापस नहीं आते। खैर, अभी जामुन खा के थोड़ी देर बाद मुझे लंच भी करना है। आलू के पराठे। आज मैं लंच में आलू के पराठे खा रहा हूँ। अब आप ये मत सोचिएगा कि पहले एक्सरसाइज फिर आलू के पराठे, क्या कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ गया। मैं ये बता दूं कि मैं आलू के पराठे बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ। मैंने तेल मसाला और ये आलू ये चीज़ें थोड़ी कम कर दी हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। और अब मैं खा के बात करता हूँ, खाने में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। ओके, कितना भी कंट्रोल करो थोड़ी बहुत नींद आई जाती है। 5 बजे तक मैं अच्छा खासा घूम रहा था, हंसता खेलता हुआ, कि आज तो नींद आई नहीं रही। और 5 बजे मैंने सोचा कि नींद नहीं आ रही, थोड़ा लेट ही जाते हैं, आराम दे देते हैं बॉडी को। जैसे ही मैं लेटा नींद आ गई, और 1 घंटे बाद नींद खुली, ज़्यादा सोया नहीं मैं। और इस 1 घंटे की नींद से भी अगर रात की नींद में फ़र्क पड़ता है तो भैया मुझे माफ़ करो, मुझे छुट्टी दे दो, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैं ये पूरा बॉटल भर के पानी पीता हूँ, और सुबह के बाद 3-4 बार यही बॉटल पूरी भरता हूँ, और पूरी खाली करता हूँ। ये एक अच्छी हैबिट है जो मैं धीरे धीरे अपनाता जा रहा हूँ। ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बॉडी को। मैं आपको आज बस ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मुझे बीच में ऐसा लगने लगा था कि मेरा इंटरेस्ट इससे उतरता जा रहा है, मतलब मुझे अब उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे पहले आता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बस मेरी बॉडी थी जो थोड़ी रेस्टलेस थी, उसकी वजह से मेरा बाकी किसी और काम में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज मुझे उतना ही मज़ा आया है जितना मुझे पहले दिन आया था ब्लॉग बनाने। और इसलिए अब मैं थोड़ा और रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा, इसमें कोशिश करूँगा, कमिटमेंट नहीं करूँगा। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।